हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइकान से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फाइलम पोरीफेरा का एनिमल है तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द काम नेम ऑफ साइकान साइकान का सामान्य नाम क्या है ऑप्शन ए है बाथ स्पंज ऑप्शन बी है अर्न स्पंज ऑप्शन सी है बाउल स्पंज ऑप्शन डी है हार्स स्पंज तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी अर्न स्पंज क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्सपेंजर्स आर लाइंड बाय, एक्सपेंजर्स लाइंड होते हैं ऑप्शन ए है थीसोसाइट ऑप्शन बी है मायोसाइट ऑप्शन सी है थियोसाइट ऑप्शन डी है आर्कियोसाइट जो अस्थिया के स्पेंचर्स होते हैं जो कि वाटर की एंट्री को कंट्रोल्स करते हैं रेगुलेट करते हैं वो किसके द्वारा होता है तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी मायोसाइट क्वेश्चन नंबर थर्ड है एमोंग देम विच इज फूड स्टोरेज इनमें से कौन सा फूड कोई स्टोर करता है ऑप्शन ए है थियोसाइट ऑप्शन बी है मायोसाइट ऑप्शन सी है थीसोसाइट ऑप्शन डी है क्रोमोसाइट तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी थीसोसाइट क्वेश्चन नंबर फोर है द फूड वैक्यूल मीडियम इज फूड वैक्यूल में मीडियम होता है ऑप्शन ए है एसिडिक ऑप्शन बी है एल्कली ऑप्शन सी है फर्स्ट एसिडिकल्के्कलाइन और ऑप्शन डी है न्यूट्रल तो फूड वैक्यूल में जो मीडियम होता है इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एसिडिक देन एल्केलाइन क्वेश्चन नंबर फाइव है नेम ऑफ द दाइक लार्वा साइकान के लार्वा का नाम क्या है ऑप्शन ए है एम्फी ब्लास्टुला ऑप्शन बी है पायरनकाबुला ऑप्शन सी है स्टोमो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दही होगा ऑप्शन नंबर ए एम ब्लास्टूला क्वेश्चन नंबर सिक्स है वाटर करेंट करेंट इन साइकान इज मेंटेन्ड बाय साइकान में वाटर करेंट मेंटेन किया जाता है ऑप्शन ए है पिनेकोसाइट ऑप्शन बी है पोरोसाइट ऑप्शन सी है कोइनोसाइट ऑप्शन डी है अमीबोसाइट। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी कोइनोसाइट नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर अपॉस्टिया इन स्पंज इज रेगुलेटेड बाय आस्टिया के डायमीटर स्पंजेज में आस्टिया के डायमीटर किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं ऑप्शन ए है कोइनोसाइट ऑप्शन बी है पोरोसाइट ऑप्शन सी है पिनेकोसाइट ऑप्शन डी है मायोसाइट तो आस्टिया के जो डायमीटर हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं मायोसाइट के द्वारा इसलिए आप इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी मायोसाइट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट द स्पांजोशील्ड इन साइकॉन इज लाइन बाय साइकान में स्पांजोशील्ड किसके द्वारा लाइंड होती हैं ऑप्शन ए है स्केलेरो ऑप्शन बी है कोएनोसाइट्स ऑप्शन सी है अमीबोसाइट ऑप्शन डी है पिनेकोसाइट तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी पिनेकोसाइट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन जेमिल फॉर्मेशन इन स्पंजेज इज ए मोड ऑफ जेम्यूल फार्मेस में किसका मोड है ऑप्शन ए है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑप्शन बी है फेडिंग ऑप्शन सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑप्शन डी है नन तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन स्पेक्यूल्स ऑफ स्पंजेज आर फॉर्म्ड बाई स्पंजेज के स्पेक्यूल्स या कांटे किसके द्वारा बने हुए होते हैं ऑप्शन ए है पोरोसाइट ऑप्शन बी है पिनेकोसाइट ऑप्शन सी है स्केलेरो ऑप्शन डी है थीसोसाइट तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी स्केलेरो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अलेवेल ए स्पंज कैन बी डिस्ट्रिक बाय द प्रेजेंस ऑफ एक स्पंज को डिस्ट्रिक किया जाता है किसकी उपस्थिति में ऑप्शन ए है को ऑप्शन बी है कोनोसाइट ऑप्शन सी है टेंटिकल्स ऑप्शन डी है कैलकेरियस स्कैल्टन तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी कोएनोसाइट। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है द फ्रेश वाटर स्पंजेज फ्रेश वाटर स्पंज है ऑप्शन है स्पॉन्जिला ऑप्शन बी है ग्रेंटिया। ऑप्शन सी है यूप्लेक्टला ऑप्शन डी है यू स्पॉन्जिया तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्जिला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली 매च्ड इनमें से कौन सा पेयर सही से मिला हुआ है ऑप्शन ए है ल्यूकोसोलोनिया डेमोस्पंजिया ऑप्शन बी है एप्लेक्टला हाइलोस्पंजिया ऑप्शन सी है हलोनिमा कैल्कीस्पंजिया ऑप्शन डी है स्पंजिला एपोस्पंजिया तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी हाइलो हाइलोस्पंजिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 डाइजेशन इन साइकॉन इज साइकॉन में डाइजेशन होता है पाचन होता है ऑप्शन ए है इंट्रा ऑप्शन बी है एक्स्ट्रा ऑप्शन सी है पार्टेली एक्स्ट्रा ऑप्शन डी है सेप्रोजोइड तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए इंट्रा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड इनमें से कौन सा पेयर सही से मिला हुआ नहीं है सही नहीं मैच है ऑप्शन ए है साइकॉन साइकॉन टाइप ऑप्शन बी है सी है ऑप्शन डी है नन ऑफ तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें सभी सही मिले हुए हैं साइकान में साइकान टाइप का सिस्टम वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है लेकोसोलोनिया में स्कॉन टाइप का कैनल सिस्टम पाया जाता है वाटर कैनाल स्पंजले में लूकॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर मोस्ट वाइटल रोल इन फिजियोलॉजी फीडिंग एक्सेट्रा ऑफ स्पंजेज इज प्लेड बाय। स्पंजेज में उनकी फिजियोलॉजी फीडिंग रिस्पायरेशन एक्सक्रेशन फर्टिलाइजेशन में कौन सा मेन रोल प्ले करता है ऑप्शन ए है वाटर कैनाल सिस्टम ऑप्शन बी है स्पीक्यूल्स ऑप्शन सी है जेम्यूल्स ऑप्शन डी है कैनाल सिस्टम तो इसमें से ही होगा ऑप्शन नंबर ए वाटर कैनाल सिस्टम क्वेश्चन नंबर थर्ट सेवेंटीन व्हिच स्पंज इज कॉल्ड बीनस फ्लावर ऑफ बास्केट इनमें से कौन सा स्पंज बीनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहलाता है ऑप्शन ए है स्पॉन्जिला ऑप्शन बी है क्लायोना, ऑप्शन सी है यू स्पंजिला ऑप्शन डी है यूप्लेक्टला तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी यूप्लेक्टला प्लेक्टला को बीनेस ऑफ बास्केट कहा जाता है ये जापान में शादी में गिफ्ट में दिया जाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन आल स्पंजेस सभी स्पंजेज हैं ऑप्शन ए है ऑल मैराइंस ऑप्शन बी है पॉसेज इस्पॉजिन फाइबर्स ऑप्शन सी है पॉसेज स्पेक्यूल्स ऑप्शन डी हैब स्पांजोसेल सभी स्पंजेज में पाया जाता है तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी हेब स्पांजोसेल सभी स्पंजेज में स्पांजोसेल पाया जाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बोरिंग स्पंजिज बोरिंग स्पंज है या बोरिंग स्पंज कहलाता है ऑप्शन ए है इस्पॉजिला ऑप्शन बी है यूप्लेक्टला ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है क्लेना ऑप्शन डी है हाइलोनिमा तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी क्लेना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्पोरिफेरा इज बेस्ट पाइल्पोरिपेरा का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है ऑप्शन है न्यूट्रिशन ऑप्शन बी है कैनल सिस्टम ऑप्शन सी है नेचर ऑफ स्केल्टन एलिमेंट ऑप्शन डी है रिप्रोडक्शन तो फैलम पोरी का क्लासिफिकेशन बेस्ड है नेचर ऑफ स्केल्टन एलिमेंट इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी नेचर ऑफ स्केल्टन एलिमेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्पंजेज फूड इज इंजेस्टेड बाय स्पंजेज में फूड इंजेस्ट किया जाता है फूड इन किया जाता है ग्रहण किया जाता है ऑप्शन है स्केलर स्केलरोप्लास्ट ऑप्शन बी है क्वेनोसाइट्स ऑप्शन सी है पोरोसाइट ऑप्शन डी है पिनेकोसाइट तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी कोएनोसाइट जो स्पंजेज में फूड मटेरियल होता है वो कोएनोसाइट के जरिए कैप्चर किया जाता है और इन्हीं के जरिए डाइजेशन की प्रक्रिया होती है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द चीप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ साइकानिज साइकान में मुख्यता जो उत्सर्जी पदार्थ हो क्या होता है ऑप्शन ए है अमोनिया ऑप्शन बी है यूरिया ऑप्शन सी है यूरिक एसिड ऑप्शन डी है नन तो साइकान में जो मुख्य पदार्थ होता है वो होता है इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए अमोनिया नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री यंग स्टेज ऑफ साइकानिज साइकान की यंग स्टेज होती है ऑप्शन ए है सीलोब्लास्टुला ऑप्शन बी है पैरें ऑप्शन सी है ओलियंथस ऑप्शन डी है स्टोमो तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी ओलियंथस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इन साइकान द स्पर्म एंड ओबा डेवलप फ्रॉम साइकान में स्पर्म और ओबा विकसित होते हैं ऑप्शन ए है मोनोसाइट ऑप्शन बी है अमीबोसाइट ऑप्शन सी है आर्कियोसाइट और ऑप्शन डी है ग्लैंड सेल तो साइकान में इस पर और आर्क्योसाइट के द्वारा विकसित होते हैं तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी आर्क्योसाइट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एग्जिस्ट फॉर वाटर करेंट इन साइकान एंड अदर स्पंजेस इज साइकान में वाटर करेंट का जो एग्जिस्ट होता है या और स्पंजेज में एग्जिस्ट क्या होता है किसके द्वारा वाटर निकलता है पानी निकलता है तो ऑप्शन है एरबोरियल पोर ऑप्शन बी है ऑस्टियम ऑप्शन सी है आस्कुलम ऑप्शन डी है क्लेका तो इसमें एग्जिस्ट होता है इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी आस्कुलम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स डाइजेशन ऑफ फूड इन साइकॉन टेक प्लेस साइकान में फूड का डाइजेशन होता है ऑप्शन है इन द स्पांजोसेल ऑप्शन बी है इन द ऑप्शन सी है इन द को ऑप्शन डी है पिनेकोसाइट तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी इन द क्वेनोसाइट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन सिमिट्री इन साइकान इज साइकान में सम्मित होती है ऑप्शन है स्पेरिकल ऑप्शन बी है रेडियल ऑप्शन सी है बाइलेक्ट्रल ऑप्शन डी है एसिमेट्रिकल तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी रेडियल साइकॉन में रेडियल से पाई जाती है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच इज नॉट नोन टू आकर इन साइ साइकॉन इनमें से कौन सा साइकॉन में नहीं होता है तो ऑप्शन ए है रिस्पायरेशन ऑप्शन बी है एजेशन ऑप्शन सी है एसेक्सुअल प्रोडक्शन ऑप्शन डी है लोकोमोशन तो साइकॉन में नहीं होता है इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी लोकोमोशन साइकन जो होता है एक स्थान पर फिक्स रहता है इसलिए इसमें लोकोमोशन लोको नहीं होता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथ ऑफ वाटर करेंट इनमें से कौन सा सही वाटर करेंट का सही सीक्वेंस है ऑप्शन ए है स्पांजोशील आस्कुलम आस्टिया ऑप्शन भी है आस्टिया इन करंट कैनाल रेडियल कैनाल स्पांजोशील आस्कुलम ऑप्शन सी है रेडियल कैनाल ऑस्टिया ऑस्कुलम ऑप्शन डी है ऑस्कुलम स्पांजोसिल ऑस्टिया मिशिन में से वाटर करेंट का कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है जिसके द्वारा किस रास्ते से या किस पैसे से वाटर करेंट फ्लो होती है तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्टिया से वाटर इंटर करता है इन करेंट कैनाल में जाता है इन करेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में रेडियल कैनाल से स्पांजोशील में और स्पांजोशल से आस्कुलम के द्वारा बॉडी से बाहर चला जाता है इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर थर्टी है स्टोब्लास्ट इज फाउंड स्टोब्लास्ट पाई जाती है ऑप्शन है पेनेकोसाइट ऑप्शन बी है कोइनोसाइट ऑप्शन सी है जेम्यूल्स ऑप्शन डी है स्पेक्यूल्स तो हिस्टोब्लास्ट पाई जाते इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी जेम्यूल्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द कामन बाथ स्पंज इज कामन या सामान्य बाथ स्पंज है ऑप्शन ए है लिक्विनिया ऑप्शन बी है यू स्पॉन्जिया ऑप्शन सी है साइकॉन ऑप्शन डी है, है स्पॉन्जिला तो इसमें सही होगा आप बा, बाथ स्पंज होता है इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी यू स्पॉन्जिया कामन बात स्पंज के नाम से जाना जाता है तो आज के वीडियो में हमने साइकान से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद